की शुरुआत हो गई है दिल वालों के शहर दिल्ली से अपने गांव की तरफ। और यहाँ पे ना मौसम जो है सुबह सुबह काफ़ी अच्छा हो रहा है, ऐसा रात भर बारिश हो रही थी ना उस वजह से। और जो हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं वो गए हुए हैं चाय लेने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने चाय नाश्ता कुछ नहीं किया था। तो उनने पूछा आपने चाय वगैरह पी है कि नहीं, जो सवारी है ना वो थोड़ा लेट आने वाली है, तो चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया इसने सुबह, यहाँ तक कि हाथ मुँह भी नहीं धोने दिया अच्छे से। और उठ गई थी तो फिर इसको ऐसा है कि गोद पे ही पकड़ी रहो, तो चाय वगैरह पीती हूँ। और तो भैया वहाँ गए हुए हैं चाय लेने के लिए, बाकी 2 घंटे हैं अभी, मैं मस्त यहाँ गाड़ी में ही सोऊंगी चाय वगैरह पी के। तो चाय समोसा और केले मंगाए मैंने, चलो फिर आराम करती हूँ। और तो सुबह सुबह का नाश्ता है हमारा ये बिस्कुट और ये चाय जो कि भैया जी ने ला दी। ये मैडम तो सोई है। आज के बराबर खराब दिन मेरी लाइफ में कभी नहीं गुजरा होगा, ये दिन मैं हमेशा याद रखूंगी। और एक सबक भी मिल गया मुझे इस दिन से। सुबह 6 बजे मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, 6:30 में, और 12 बज गए हैं, अभी भी मैं दिल्ली में ही घूम रही हूँ। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आज। ऐसा इसलिए हुआ ना, मेरी गाड़ी एक्सचेंज हो गई है, मुझे जिस गाड़ी में जाना था ना वो गाड़ी सुबह ही चली गई और मेरे हस्बैंड ने दूसरी गाड़ी का नंबर दे दिया। और जिस गाड़ी में मैं आई हूँ ना वो पूरे 12 बजे दिल्ली से निकली है। मेरा तो पूरे 3 बजे हम लोग हापुड़ पहुँच रहे हैं आज, तो मतलब इतना भयंकर सीन हो गया हमारे साथ। 3 बजे हापुड़ पहुँच रहे हैं, रात के 10 बजे पहुँचे गए, कल रात के घर से निकले हम लोग, कुछ खा लेते हैं अभी सिवा रहे सिवा ढाबा पे। चलो हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। 2 पर्सन होते तो बड़ी वाली थाली देते, अब मैं सिंगल हूँ तो मुझे छोले भटूरे देने पड़ रहे हैं। मन तो नहीं है छोले भटूरे खाने का, क्या करें। जो एक मिक्स थाली आ गया ना उसमें काफ़ी सारी वेराइटीज़ हैं, वो लेने का मन था बट मैं वेस्ट कर दूँगी, महंगी भी है तो पैसे वेस्ट नहीं करते हुए छोले भटूरे ले लिए और एक कोल्ड कॉफ़ी ले ली, अनु के लिए आइसक्रीम ले ली। पहले इसको भी खिला दूँगी और मतलब दोनों खाएंगे, कार्टून दे दीजिए अनु। चलो मैं उसे खाना खा दूँ। सबसे आई पहले आई कोल्ड कॉफ़ी, इसके पीने के बाद खाएंगे हम, लंच करेंगे मतलब। मैया मुनिया, आज मेरी मुनिया बहुत सुम्मो सुम्मो हो रही है, गुम सुम। तो यार खाना तो खाया नहीं गया। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते ना चप्पल भी टूट गई है, ऐसे जैसे जीभ होती है ना मतलब उल्टा हो जा रहा है पूरा। और पतिदेव ने बोला था कि, मैंने बोला चप्पल खरीद तो ठीक है घर में, यू बोल रहे थे इसी में चला ले घर तक चले जा, चले कौन तुमने चलना है। वैसे भी सही बात है, घर के आगे तो गाड़ी रुकनी है, तो इतनी तेज़ धूप है ना, चलो गाड़ी में बैठते हैं। यार दोस्तों आज ना जितने शापे हुए हैं पूछो मत, अब देखो गाड़ी की एक्सचेंज हो रहा है, मतलब जो दूसरी गाड़ी है इनकी डेली सर्विस की उसमें बैठना है, ये गाड़ी को एक्सचेंज करना है। तो यहाँ पे हापुड़ के पास उबर फिर से रोकी है और अभी जो इस गाड़ी का सामान है उस गाड़ी में शिफ्ट हो रहा है और उस गाड़ी का सामान इस गाड़ी में शिफ्ट हो रहा है, और उस पर थोड़ा ज़्यादा सामान था इस पर कम, तो चलो उस गाड़ी में चलते हैं। सही है, मेरी तो बहुत ख़राबी हो गई है अरे आज, तो मतलब भयंकर ही हो गया है। हम दोनों एक काम करें, लेकिन रास्ते पर ना बारिश भी हो रही थी और बारिश में थोड़ा दिमाग शांत हो रहा था, फिर जैसी धूप लग रही थी ना और मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा था कि मैं सुबह की गाड़ी में क्यों नहीं गई होंगी, मुझे क्यों नहीं भेजा होगा उस गाड़ी में, यही सोच रही थी। और तो आज का सफ़र तो मुझे हमेशा याद रहेगा, और चलो अब इस सफ़र को ऐसे इंजॉय करो। फिर मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं तो शाम के ना 5:30 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग कहाँ हैं, मुरादाबाद से थोड़ा आगे निकले हैं। जो ड्राइवर अंकल हैं वो बोल रहे हैं कि 8:30 तक पहुंचा दूंगा, अब पता नहीं पहुंच पाते नहीं, मतलब मुरादाबाद से थोड़ा आगे निकल चुके हैं। दोस्तों ये सब एक गलती हो गई है, मतलब अगर ये लोग मुझे सुबह की गाड़ी में भेज देते ना जिसमें मेरी बात हुई थी, तो ऐसा नहीं होता सुबह 5-6 बजे वाली गाड़ी में। लेकिन इन लोगों ने क्या किया ना, मेरा जो टाइमिंग था वो चेंज करके 9 बजे कर दिया और तभी जाके ये सब हो गया। मेरी हालत जो है बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर होती जा रही है, क्योंकि जैसे मुझे नींद नहीं मिली है, परसों से नहीं सोई हूँ मैं। तो
और जो बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं ना, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहती है। अगर मेरे हस्बैंड जी साथ ना आए होते तो इतनी दिक्कत नहीं होती। वैसे बच्चे के साथ बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। तो मुझे एक्सपीरियंस हो गया, हाँ अब तो एक्सपीरियंस हो गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ तो ना काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इस दौरान सीख ली है, जब मैं पहली बार आई, इस बार आई, अभी भी नेक्स्ट टाइम आऊँगी, पर एक्सपीरियंस से ही कोई भी इंसान सीखता है। हाँ पापा, हाँ तो सीएनजी भर रहे हैं अभी, चलो निकलते हैं यहाँ से। हाई कह दे फिर, हाई कह दे। तो राधे राधे दोस्तों, अभी हम लोग सितारगंज पहुँच चुके हैं। अन्नू बेचारी सो के उठ रही है, देखो तो अच्छा लग रहा है क्योंकि आप थोड़ा नज़दीक है, तो गेट भी बंद होता है ना, जो टनकपुर पे गेट होता है वो भी जल्दी बंद हो जाता है, तो इसलिए फटाफट जाना हो रहा है। तो अभी सीएनजी भरवा रहे हैं इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर पा रही हूँ, वरना तो गाड़ी पे ना बहुत अंधेरा सा है। चलो, सुबह 7 बजे से गाड़ी में बैठे हुए थे और अभी जाके हमारा सफ़र समाप्त होने को आया है। अभी 11 बज गए हैं रात के और ये देखो, ये चंपावत जिला है, कितना सुंदर लग रहा है और खुशी भी हो रही है। चलो घर जाके मिलती हूँ। तो फाइनली हम लोग घर पहुँच गए, पता है कितना बज गया, पूरे 12 बजने को है और पूरा 18 घंटे सफ़र करके फाइनली घर पहुँच गए। मम्मी अनाय को लेके खेल रही हैं, खुश हो गई हैं बहुत ज़्यादा, मेरी खुतानु आ गई है बल। और मैंने ना मायके से भाई को बुला लिया था, मतलब लोहाघाट से मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ तक मैं अकेली हूँ, मम्मी को भी लगा कि भाई को भेज देती हूँ, तो मम्मी ने भाई को भेज दिया। बाकी कान में इतनी सुनसानी सुन हो रखा है क्योंकि ना वहाँ पे चू चा शांति, बिल्कुल ही सन्नाटा हो रखा है। तो अब चाय पीते हैं और अच्छे से हाथ मुँह वगैरह धोती हूँ, देखते हैं आज खाने में क्या बना है। मम्मी ने मट्ठा भिजवाई है, मट्ठा पीऊँगी। और अभी कमरा, सो गाइस फाइनली घर पहुँच गए, मैं बैग लेके आती हूँ। जय हो मैया, भाग ले मेरी गल्लू आ गई है। दोस्तों यहाँ पे ना आमा से भी मुलाकात हो गई, ये देखो। अरे आमा पागड़े, आमा पागड़े, जय जी राजा लगा पागड़े पागड़े, आमा गाली में पागड़े, चुप्पी चुप्पी ली देखो ना करनी। मम्मी रात के 12 बज गए, आप सो जाती है, बहुत नींद आ रही है। मैं तो ना बेटे, तो घर पहुंच के कैसा लग रहा है बेटा तेरे को? कहाँ? 1.5 महीने के लिए गई हूँ, 1.5 महीने मतलब बाद आई हूँ। मुझे ना घर की सफाई इस कोने से उस कोने तक करनी है, इतना मतलब मेरे बेड के तो बिल्कुल चित्ती लग के ऐसे हाल हो रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा है छोड़ा हुआ कमरा है और अजीब अजीब सी स्मेल भी आ रही है। बाकी अभी मैं अपने गमले दिखाऊंगी, जब मैंने अपने गमले देखे घर आते ही मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि सारे फूल लग रखे हैं, मतलब मेरी किस्मत में फूल नहीं थे। जब मैं यहाँ पर थी ना, मैं डेली उनको खुचुल 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 के देखूंगी लेकिन उसमें फूल नहीं लगेगा। अभी फूल लग गए सारे बढ़िया बढ़िया से। चलो बेटा बाय बोल दे फिर उसमें। तो कमरे की हालत तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं, भयंकर ही हो गई है, इसको कल से पूरा क्लीन करना है। तो चलिए फिर ब्लॉग को एंड करते हैं, फाइनली घर भी पहुंच गई, मेरे को अपने हस्बैंड जी की बहुत याद आ रही है, वो पता है इमोशनल हो गए थे। और ये चीज़ मैं रास्ते पर इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं आपको बता नहीं पाई। और आज का जो दिन है ना, जो आज हुआ मेरे साथ, मैं आपको वो भी कैसे बताऊँ, सुबह से लेके अभी तक बहुत चीज़ें उल्टी उल्टी भी हो रखी हैं। ऐसा हुआ सुबह कितने बजे, 6 बजे की आए हुए हम लोग, मतलब रात को 1:10 में हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे। तब से फ्लाइट, मतलब तब से एयरपोर्ट में बैठी थी मैं पूरे, हाँ तब से लेके सुबह 7 बजे तक एयरपोर्ट में बैठी रही और इसके पौरे बैठी थी मैंने जैसे कि बताया। और उसके बाद फिर गाड़ी आई, 9 बजे दूसरी सवारी आई, उसको उठाया, फिर उसके बाद सीधा फरीदाबाद गई। फरीदाबाद पहुंचने में 3 घंटे लगे, फरीदाबाद से फिर दिल्ली पहुंचने में 2 घंटे, मतलब दिल्ली और फरीदाबाद से बाहर निकलने में, दिल्ली से बाहर निकलने में 2 घंटे, पूरे 5 घंटे उसमें लगे। फिर अभी जाके इसलिए 12 बजे हम अपने घर पे पहुंच रहे हैं, 12 बजने ही वाला था तब पहुंच रहे हैं। मतलब आज का दिन ना मतलब याद रहेगा। मैं अपने हस्बैंड जी से एक चीज़ कहना चाहूँगी कि
आज के बाद ना ऐसे अकेले मैं कभी ट्रैवल नहीं करूँगी। ये मेरे से पहली, मतलब पहली तो नहीं, दूसरी और लास्ट गलती हो गई है जो अनाया ने परेशान किया है ना मुझे रास्ते भर, मुझे ही पता है और ऐसा हुआ। चलो फिर वीडियो को एंड कर लेते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आप तो आपको पहाड़ों के व्यूज़ देखने को मिलेंगे और आमा के साथ वीडियो, मम्मी के साथ वीडियो देखने को मिलेगी। अभी मायके जाऊंगी मम्मी लोग से मिलने के लिए, क्योंकि कुछ सामान भी लेके आई वो भी देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, कमेंट करना जो जो सुझाव होंगे। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय सीता मैया की। नु बाय कह दे, कार्टून देखने लगी।